सब्सक्राइब करिए टेकिया सर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, मोबी स्टार कंपनी के बारे में तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले यहाँ पर इंडिया में आई है, 2 से 3 स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च करे। आप बोल सकते हो एवरेज से स्मार्टफोन थे, बट आपको बता दूं आज के दिन यहाँ पर मोबी स्टार ने अपना मोबी स्टार X1 ड्यूअल नाम का स्मार्टफोन यहाँ पर इंडिया में लॉन्च कर दिया है। प्राइसिंग बहुत ही कमाल की रखी है, स्पेसिफिकेशन तो आप सुनोगे तो आप मेरे को बाद में थैंक यू बोलोगे कि भाई इतने अच्छे फोन के बारे में हमें बताया है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर मोबी स्टार X1 ड्यूअल के स्मार्टफोन के बारे में। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यह महान फोन के महान प्राइसिंग की। तो ये आपको एक ही वेरिएंट में देखने को मिलता है, 32 GB की स्टोरेज मिलेगी, 3 GB की रैम देखने को मिल जाती है। प्राइसिंग रखी गई है 10,500 रुपये और ये आपको ऑफलाइन मार्केट में सारे देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये फोन के बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन के बारे में। बिलो डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको बैक पैनल ग्लॉसी टाइप का, आपको शाइनी मतलब बिल्कुल चमचमाता हुआ यहाँ पर बैक पैनल देखने को मिलेगा। बट मैं आपको बता दूँ ये पूरा आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है, साथ में जो उसकी फ्रेम है बीच की वो भी पूरी प्लास्टिक की बनाई गई है। तो बिल्ड क्वालिटी लुक्स वाइज ये दिखने को अच्छा है, बट बिल्ड क्वालिटी आपको बिल्कुल से स्ट्रिक्टली एवरेज देखने को मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं ये फोन के डिस्प्ले की। तो यहाँ पर आपको 18:9 का स्क्रीन रेशियो देखने को मिलता है 5.7 इंच का, बट आपको बता दूँ रेजोल्यूशन सिर्फ आपको HD+ देखने को मिल जाता है और गोरिल्ला ग्लास वगैरह आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ये फोन के परफॉर्मेंस की, जो कि बहुत से लोग बराबर से बता नहीं रहे, बट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है MediaTek का 6737 का चिपसेट, जो कि क्वाड कोर का प्रोसेसर है और ये महान चिपसेट यार, मतलब दुनिया का बोल सकते हो ना सबसे कचरा चिपसेट है अभी के लिए, फिलहाल के लिए 2018 में ये 2 से 3 साल पुराना चिपसेट यहाँ पर मोबी स्टार यूज़ कर रहा है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई 10,500 में हम पागल बैठे हैं क्या, मतलब 10,500 देखे MediaTek का 6737 2018 में लेंगे, मतलब यार बिल्कुल से जो परफॉर्मेंस है वो आपकी एकदम से कचरा रहने वाली है। ये मैं आपको बोल देता हूँ, ना ही डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिलता है, ना ही इसमें आपको आप बोल सकते हो GPU भी एकदम वीक सा देखने को मिलता है, ना ही गेमिंग कर सकते हो, और आपको बता दूं कि जो UI है वो भी लैग करेगा ये चिपसेट के साथ में। तो परफॉर्मेंस एकदम से आपको कचरा देखने को मिलने वाला है। रैम और स्टोरेज की बात करें तो आप सोच रहे होंगे 4GB 64GB मिलेगा, बट नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा 3GB और 32GB और यहाँ पर आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिल जाता है, मतलब अगर आप 2 सिम लगाओगे तो मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हो, 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड एट अ टाइम आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, 4G वोल्टी आपका 1 सिम में यहाँ पर चल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ये फोन के हाइलाइटिंग फीचर की, जो क्या है ये फोन का सेल्फी कैमरा। यहाँ पर आपको फ्रंट में डुअल कैमरा का सेटअप मिलता है, 13 MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा और 8 MP का आपको वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाती है और LED फ्लैश भी देखने को मिल जाती है। रेयर कैमरा आपको सिंगल सेटअप देखने को मिलता है, 13 MP का नॉर्मल सा कैमरा। अब यार रेयर कैमरा आपको बता दूँ दिन में ठीक ठाक सी इमेजेस आ जाएगी, लो लाइट में बिल्कुल से ये कैमरा अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें सेंसर ही अच्छा नहीं है। और फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करें, नो डाउट सेल्फी कैमरा यहाँ पर 10,000 के हिसाब से अच्छा है, बट मैं आपको बता दूँ 10,000 में मार्केट में आपको हाँ वाइड एंगल वगैरह तो नहीं मिलेगा, बट इससे बढ़िया सेल्फी कैमरा आपको दूसरे स्मार्टफोन में भी देखने को मिल जाएगा। तो सेल्फी खाली ये फोन में आपको देखने को मिलती है अच्छी, बाकी रेयर कैमरा भी आपको एकदम से एवरेज देखने को मिल जाएगा। सेंसर्स की बात कर ले तो सेंसर्स आपको सारे देखने को मिल जाएंगे, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा, फेस अनलॉक भी मिल जाएगा, हाँ स्लो काम करता है बट आपको मिल जाता है। एंड्रॉइड वर्जन आउट ऑफ द बॉक्स आपको ओरियो 8.1 मिल जाएगा और ये मोबी स्टार का खुद का UI है, उस पर ये रन करता है। अब बैटरी लाइफ की बात कर लेते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर रहेंगे 4000-5000 mAh का जमाना है, तो 4000-5000 mAh तो मिल जाएगी, बट मैं आपको बता दूं 3000 mAh की आपको बैटरी मिलती है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलता है। तो 10,500 में ही कचरा सी स्पेसिफिकेशन भाई क्यों लोगे, ऑफलाइन सेगमेंट का फ़ोन है चलो मान लेते हैं, तो ऑफलाइन में ओप्पो भी है, वीवो भी है, ओप्पो का A3s क्यों नहीं लोगे, ये क्यों लोगे कचरा। और मतलब सैमसंग के भी फ़ोन आपको ऑफलाइन मिल जाते हैं, तो सैमसंग भी आपको ये स्पेसिफिकेशन देता है, इनफैक्ट इससे थोड़ा बढ़िया ही देता है, तो वो आप क्यों नहीं लोगे, ये क्यों लोगे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। और बिल्कुल से कचरा स्मार्टफोन है, सेल्फी भी जो सेल्फी के नाम पे ये फ़ोन को बेचा जा रहा है या बेचे जाएगा, तो सेल्फी भी आपको एकदम आउटस्टैंडिंग नहीं मिलेगी क्या, मतलब बहुत ही एकदम बढ़िया से ठीक ठाक यहाँ पर आपको सेल्फी देखने को मिलेगी। ये फ़ोन बिल्कुल भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करता हूँ, हाँ आप वीडियोज़ वगैरह देख रहे हो चलो ठीक बात है, गिव अवे है ये जो भी है,
बट मैं आपको बता दूं ये फोन बिल्कुल से कचरा है, अपना पैसा बर्बाद मत करना। आपको 10,500 में बहुत ही वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर Redmi Note 5 Pro है, Realme 1 है, Asus Zenfone Max Pro है, ये सारे स्मार्टफोन यार इससे लाख गुना अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये फोन गलती से भी नहीं लेना, और कोई लेने जा रहा है तो उसको भी मना कर देना। आई होप कि मेरी तरफ से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और बताना नीचे कमेंट्स में कि आपको ये फोन कैसा लगा और आपके क्या ओपिनियन है यहाँ पर मोबी स्टार X1 Duel के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।